तवे उठा के कैसे कैसे दवाई दिए। एक ही बार आता है महारानी को। तो यहाँ पे बेटा हुआ है देख सकते हैं अभी, और भाभी खिला रही है। देखिए राइट साइड वाला आंख में, किचन में दो दो सांप और एक तो ऐसा लेटा था। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे, नंबे अच्छे। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने नहा लिया है। मानसी टिफिन बॉक्स में देख सकते हैं क्या रखी है, दिखाओ दिखाओ। तो इसमें अंडा चावल रखी है मानसी, और आज मानसी का स्कूल नहीं है क्योंकि आज है संडे, इसलिए मानसी इतना खुश है ना। मैं कहाँ जा रही हूँ वाली कल जाना है स्कूल, ठीक है। हाँ। आज संडे है ना, अच्छा कहाँ जाऊंगी संडे के पीछे। नहा धोवा के घर रहो बेटा, ये खेलना संडे संडे के पीछे कह रही है। दिन का इसको बारे अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए आप सब बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो के साथ। बर्थडे हो गया, बर्थडे आने वाला है। और मानसी को हैप्पी बर्थडे एडवांस में बोल दीजिएगा, क्योंकि मानसी का बर्थडे भी बहुत जल्द आने वाला है। और किनको किनको डेट याद है वो कमेंट कीजिएगा। हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और इस बार सेलिब्रेशन देखिए उतना ढंग से तो कर नहीं पाएंगे लग रहा है ना। करेंगे जितना हमसे हो पाएगा उतना। आप लोग बताइए कैसे करना चाहिए मानसी का सेलिब्रेशन, है ना, उस तरह से करेंगे। कोई हम सोच रहे हैं कि अलग तरीके से करें, मतलब सबसे अलग। हाँ, जो मतलब कि एक यूनिक बने, है ना। तो चलिए आप सब कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस पेरस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आज हम खाना पीना खा के मेहंदी लगा रही है, और हम भी खा लिए, मानसी भी खा लिए, और अभी थोड़ा कहीं जाना है भैया और भाभी को लेके। तो चलिए चलते हैं उधर और दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। जा रहे हैं हम लोग, निकल रहे हैं। काजल अपना ख्याल रखेगी, जाओ अंदर। और सलोनी अभी आ रही है, मानसी भी यही है, अंदर खेलना, ठीक है। अभी मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आऊँगा। तो चलिए दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं अभी, है ना। तो चलिए चलते हैं, बाय बोलो बेटा। थावे में आ चुके हैं और थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर रहे थे। चलिए अभी चलते हैं यहाँ से, और थावे का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे भाभी के मतलब भाभी की बहन के बेटा हुआ था, लड़का हुआ था, तो वहीं पे आए थे हम लोग और भैया भाभी को लेके आए थे वहीं पर। तो देख सकते हैं कितना क्यूट सा बेबी हुआ है अभी। तो शाम का टाइम हो रहा है अभी, और मेरा आँख में पता ना क्या हो गया है, रुकिए दिखाते हैं आपको। देखिए राइट साइड वाला आँख में पता नहीं इतना लाल हो गया, रात को हल्का सा, हल्का रात को हुआ था, फिर सुबह थोड़ा सा हुआ, और अभी इतना कड़क रहा है ना एक ही आँख। रात को हल्का सा इसमें से चोट लगा था, कुछ हुआ था ऐसे ही, मेरे को लगा था रात में चोट, है ना, थोड़ा सा। पता ना कैसा होगा। अरे मानसी जब चोट लग रहा था ना, मानसी जब सो रही थी ना, तो उस टाइम हल्का सा मेरे को एहसास हुआ कि चोट लगा आँख पे, फिर मैंने ऐसे ऐसे करके फिर सो गया। सुबह थोड़ा सा लाल था, अभी देखिए हम सोचे सो जाएंगे आके, उधर से हम लोग जहाँ गए थे वहाँ से आके सो गए थे, फिर सोचे कि ठीक हो जाएगा, अभी लाल हो गया। चलिए इसके लिए ड्रॉप लेके आएंगे। और अभी देख सकते हैं थोड़ा सा चावल और सब्जी था, तो मैं ला के खाने जा रहा हूँ, क्योंकि काजल ने पहले ही खा लिया, हम बोले एक और खिला दो। पूरे में झाड़ू लगा रही है आंगन में, पूरा चकाचक हो रहा है। जैसे खाना खा के हम गए पानी से हाथ धोने, किचन में दो दो सांप, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा छोटा था, और एक तो ऐसे लेटा था पानी पे, जैसे पानी पे नहीं, जैसे वहाँ पे पानी हमेशा गिरता रहता है ना, तो वहाँ पे ठंडक था और गीला था, तो उस पर ऐसे लेटा हुआ है। और एक सांप इधर की तरफ आ रहा था, मेरे को देख के फिर मुड़ गया उधर, अब वो तो भाग गया। फिर दूसरा कुछ देर में तुरंत भाग गया, क्योंकि मेरे हाथ जूठा था, मैंने फ़ोन निकालते निकालते काजल को बुलाया था, तो भाग गया। और ना हम वही एरिया देख रहे थे, हम तो डेली वहाँ सफाई करते हैं, जितना हो पाता है उतना हमसे देख सकते हैं, बाकी ये छोटा छोटा घास है ना, तो उसी में सांप लोग आ जाता है। ये सब देखिए आप कितना देख कर डर लगता है, ये घर है और इधर इतना सब कुछ है। पिछली बार तो इतना नहीं था क्योंकि हम लोग मिट्टी वगैरह भागा इसे। हाँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह डल, ख्याल से पानी वाला होगा सांप। हाँ, मिट्टी वगैरह डलवाए थे ना, तो ये सब थोड़ा धंगा गया था, तो इतना नहीं जमा था। और इस बार इन लोगों का जमने का मतलब पूरा ये मिल गया, कुछ नहीं छुआ गया पूरा। इसको दो दिन में हो सके तो काट के इसको हटवा देते हैं साइड साइड से, इतना है ना थोड़ा। इनको तो कुछ लगता ही नहीं, जैसा है वैसा रहे। कुछ दिन बाद से अगर ये धान वन कट जाएगा ना, सबसे पहला काम माटी डलवाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि मिट्टी डल जाएगा तो आने जाने का रास्ता क्लियर। आहे करके साफ करवा दें तो क्या हो जाए। देखिए दोस्तों इसको साफ कर देते दोनों लोग मिलकर, सुबह से घर के चार
आएगा, उतना डर नहीं रहेगा ना, चारों बगल से एक एक बिता मतलब एक एक हाथ काट देंगे सारा, ये सब कुदारी से साफ हो जाता, अकेले क्या करेंगे हम ये सब। उस तो घर में जाने से अकेले डरे लग रहा है, तो इस टाइम हम काम करते सारा, बर्तन अभी नहीं थे झाड़ू को भी लग, ये मानसु पापा कैसे करके गए हैं उधर, अब ऐसे ही डेली करके सोना पड़ेगा। अभी चलिए थोड़ा आँख का ड्रॉप लेके आते हैं और दिखा के, हल्का सा कुछ हुआ था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, और मानसी का थोड़ा सा पैर में वो होता है ना स्क्रेच आ जाता है हल्का सा, एकदम वाइट नहीं हो जाता है उस तरह का हो गया है, तो उसके लिए कह रही है मेरा घाव हो गया कब ठीक होगा सब बढ़िया। और आंगन में तो पूरा साफ सफाई कर दिए हैं, दिखाओ अभी किधर है बताओ, ये देखिए ये काला वाला है ना, ये उसके लिए कह रही माँ। क्या हो गया बेटा? घाव हो गया। हाँ, स्क्रैच नहीं हुआ था लेकिन मैं गिर गई थी। अच्छा, स्क्रैच नहीं हुआ था, गिर गए थे आप? हाँ। ठीक है, ठीक हो जाएगा बेटा। दोस्तों को दिखाने आई थी। तो गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे हमें सुबह सुबह। पुतुल का तबीयत थोड़ा सा डाउन है क्योंकि इनका सर्दी जुकाम वाला कम्बल कल धोए थे ना, तो वो रखे हैं, उसको पसार देते हैं धूप में ना, तो खाली साफ सफाई का बाकी हम कदम है ना बेटा। नहीं, मम्मी का हाथ टूटा हुआ है। हाथ टूटा हुआ है? कहाँ टूटा है? पूरा नहीं के उठत को ना दे रहुआ का एक बेटे है दोस्त, वही समझती मैं टूट गई। तो जाओ मम्मा के लिए खाना बना दो जल्दी से। नहीं आई मैं बना दूंगी आज, तेरे पापा बनाएंगे। दोनों माँ बेटी मेरे पीछे पड़ गई है। चलो हम और आप मिलके बना देते हैं, ओके? हाँ। आप प्याज काटो। नहीं, हाथ कट जाएगा। हाथ कट जाएगा, ठीक है। सब्जी बना दो, हाथ जल जाएगा। नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी, आ जाओ। मैं बनाऊंगी नहीं, आ जाओ। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कैसे कैसे दवा दिए हैं, तो ये सर्दी जुखाम बुखार सब एक ही बार आता है महारानी को। अब मैं तो इतना करता हूँ, दवाई वाई सब देता हूँ, पानी वानी दरे पे देता हूँ। मेरा तो रात में आँख में ड्रॉप डालना था, जैसे कि ये आँख रेड हो गया है तो इसमें ड्रॉप डालना था, तो काजल नींदे में डाल दी थी, आँख बंद कर पता ना क्या क्या डाल दी, इतना तेज जलन हो रहा था आँख में। सही में ड्रॉप डाली थी कि पानी डाल दी थी? क्या बेटा, आपका ठीक हो गया? नहीं नहीं ठीक हो, देखो रेड आ गई। अच्छे से नहीं डाल दे तो उतना ठीक नहीं हुआ। तब वो ठीक बोलबा कल से? मेरी ठीक कर देगी मैया जी, वहां खड़ी है मैया जी। हां मैया जी ठीक कर देंगी। हां वाह, तो अभी आ रहा है दशहरा, मैया जी आ रही हैं। मन से बेटा को ना हो सके तो हम दुर्गा जी बनाएंगे, लुक क्रिएट करेंगे। मम्मा क्या करे दोस्तों, कभी कभी लगता है इस दुनिया में हम अकेले ही हैं, बहुत बैड फीलिंग होता है। दुनिया में बहुत लोग बा, दुनिया में अकेले। दुनिया मतलब कि हम लोग अकेले, मतलब एक होता ना अकेलापन फील होना, जैसे कि खुद के फैमिली में कोई ना हो साथ में, है देखा जाए तो बहुत लोग हैं, लेकिन एक होता है कभी कभी फील आता है यार, पता नहीं। और काजल ऐसी है ना, जब काम करेगी तो मेरे से नाराज, खाना खाएगी मेरे से नाराज, मतलब नाराज नहीं बातें नहीं करेगी। तबीयत खराब होगा मैं कुछ पूछूंगा, 100 बार पूछने के बाद 1 बार जवाब देगी। अब बताइए मैं क्या करूँ, मेरे तो खुद ही तबीयत खराब है, मेरे ये हाथ ही नहीं उठ रहा है, 2-3 दिन से जिम कर रहा हूँ, मतलब घर में नए वाले घर में थोड़ा सा पेट अंदर जाए तो ये पहले दिन करते हैं ना थोड़ा सा हाथ वो हो जाता है, दर्द करता है, वही हो रहा है। काजल भी थोड़ा सा आराम करेगी, उससे पहले हम तो सुबह ही नहा लिए थे, जैसे कि सुबह उठ के और फ्रेश होके उस वाले घर में थोड़ा सा ऐसे भूसा फूसा लगाते हैं ना, तो पसीना होता है बहुत ज़्यादा, तो आके तुरंत नहा लेते हैं, ऐसे में ठीक है, रूटीन भी अच्छा हो गया है ना, सुबह ही नहा लेना, नहीं तो पहले शाम को नहाता था या खाना पीना खाने के बाद नहाता, अभी ठीक हो गया। और चलिए इसको पहले पसार देते हैं, ये कम्बल जो कल धोया था मैंने, कहाँ पसारी का जल, इसी पर पसार देते हैं, क्यों कहाँ ले जाएंगे।
अरे धूप बहुत ज्यादा निकला हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। तो अभी जैसे तैसे पसार दिया है मैंने, चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं। क्या कर रही हो बेटा? अभी चलो मेरे साथ। और दोनों का तबीयत ही खराब था थोड़ा बहुत, मेरा थोड़ा बहुत था लेकिन काजल का ज्यादा ही था, तो इस वजह से जल्दी खाना नहीं बन पाया। इस वजह से आज मानसी स्कूल नहीं गई, तो आज घर पे ही है मानसी। खाना नहीं बन पाया था लेट के कारण। ये क्या है बेटा, ये किसने किया? बच्चे ये पता नहीं ये क्या हो गया, गोल गोल सा, शायद धो देंगे तो हो जाएगा। इसे कुछ चू जाता ना इसलिए हो जाता। इस पे भी हुआ है। पापा ध्यान रखो ना, इस पे भी हुआ है। ठीक है बेटा, उसको हम सही कर देंगे, धो देंगे तो हो जाएगा। ठीक है हाँ, पहले शैम्पू करेंगे पर हो जाएगा आज से। हाँ कोई नहीं करेगा, इस हाथ पे कर देंगे। और धूप इतना तेज निकल रहा है ना दोस्तों, अब बारिश लग रहा होगा नहीं, क्योंकि अब बारिश होने का फायदा भी उतना नहीं। अब से कहाँ धान रिकवर हो ही नहीं पाएगा, पूरा येलो येलो हो गया धान, देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।